बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटन देवी मंदिर शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। देवी भागवत के अनुसार सती की दाहिनी जांग जहां गिरी वह बड़ी पटन देवी के रूप में चर्चित है, और जहां पीठ का हिस्सा गिरा वो नगर रक्षिका छोटी पटन देवी हैं, या फिर कहें देवी पटनेश्वरी के रूप में विख्यात हैं। सती के 51 शक्ति पीठों में प्रमुख इस उपासना स्थल में देवी के 3 स्वरूपों की प्रतिमाएं विराजित हैं। गुलजार बाग इलाके में बड़ी पटन देवी मंदिर परिसर में काले पत्थर की बनी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। इसके बारे में विशेष जानकारी महंत विजय गिरी दे रहे हैं। यहाँ सती का दाहिना जंघा पट के साथ गिरा था, जो आगे चलकर श्री बड़ी पटन देवी के नाम से विख्यात हुई, और कौन-कौन स्वरूप यहाँ यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूप में विराजमान है नगर रक्षिका के रूप। और आज बड़ी पटन देवी के गढ़ा पट से शोभा यात्रा निकला, कलश यात्रा निकला है। आज से माघी नवरात्र शुरू है। इसी उपलक्ष्य में बड़ी पटन देवी में 19 फरवरी तक शत चंडी महायज्ञ और भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। आज श्रद्धालुओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली है। यह 501 कलश शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए भद्रघाट पहुंचकर गंगा जल कलश में भरकर मंदिर तक की यात्रा पूरी कर रही है। फिर यहाँ गया पर मंदिर वाले माता के यहाँ से निकले हैं गंगा घाट से, और गया पर माँ पटन देवी के स्थान पे हम लोग जाके सब शोभा यात्रा को समाप्त करेंगे। कलश शोभा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया है। कलश शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह चौकस नजर आ रही है। पटना सिटी से अक्रम अली की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।